बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस पारा नंबर 8 सूरह अलराफ आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अहुलाल्लज़ीन अक्समतुम ला यनालहुमुल्लाहु बिरहमतिह उदखुलुल जन्नत ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून। क्या ये वही हैं जिनके मुतालिक तुम कसम खा खा कर कहा करते थे कि अल्लाह ताला उन पर रहमत ना करेगा? उनको कहा जाएगा, दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम पर ना कुछ खौफ होगा और ना तुम मगमूम होंगे। यानी दुनिया में वो लोग जो अल्लाह वालों का या जो दीन के मामलात में आगे आगे थे या दीन के की तरह दीन ने जैसे हुक्म दिया वैसे ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनका वो मजाक उड़ाते थे और वो मुतकब्बिर लोग थे और ये कहा करते थे देखो ये लोग तो जन्नत में नहीं जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उनको आखिरत के दिन कहा जाएगा कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, ना तुम्हें कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। यानी ये उन लोगों को खुशखबरी सुनाई जा रही है जो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं और दुनिया में लोग उनकी कसमें खा खा कर उनकी तजलील करते हैं या उनको झुठलाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन उनको मैं खुश कर दूंगा ये कह के कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला हमें इल्म के साथ अमल करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।